गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज एक विशेष मैसेज मैं देने के लिए आया हूँ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के ऊपर। क्योंकि कोई भी काम दोस्त जब आप करते हैं तो या तो आप उसमें नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं या फिर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, और ये नेचुरल है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान अगर नेगेटिव हो रहा है तो वही नेगेटिव हो रहा है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर जिनका आज की डेट में उदाहरण दिया जाता है या जो आज की डेट में कहीं ना कहीं किसी टॉप मुकाम पे हैं किसी भी फील्ड से, उनकी लाइफ के अंदर भी कुछ चैलेंजेस, कुछ स्ट्रगल आए और एक बार वो भी नेगेटिव जोन की तरफ उनका भी जाना हुआ। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके अंदर नेगेटिविटी ना आती हो। बड़े से बड़े इंसान को भी आप देखोगे तो नेगेटिविटी आएगी, और कई बार आप देखेंगे बहुत बड़ा इंसान भी है तो कई बार वो फेसबुक पे जब पोस्ट डालते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पोस्ट से भी महसूस होना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उनके माइंड में आ रही है। ये नेचर है। और आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या किसी भी फील्ड के अंदर हैं दोस्त, नेगेटिविटी तो आना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूरी है। जरूरी मतलब इन द सेंस कि आती ही है। लेकिन नेगेटिविटी से जीतता कौन है उसके ऊपर हम एक मिनट के लिए बात करते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर दो तरीके की ताकतें हैं, एक नेगेटिविटी और एक पॉजिटिविटी। और सबसे बड़ी चीज़ है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, दोनों की जो पावर है ना वो सेम है। नेगेटिव में जितनी पावर है उतनी ही पावर पॉजिटिविटी के अंदर होती है, सेम पावर होती है। अब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में जीतता कौन है? नेगेटिविटी जीतेगी आपके अंदर या पॉजिटिविटी जीतेगी आपके अंदर? तो मैंने कहीं किताबों में सुना है और बहुत सारे लीडर्स जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो माइंडसेट की ट्रेनिंग्स देते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर एक बात बताते हैं। और वो बात क्या है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में से कौन सी आपके अंदर से जीतेगी, वही जीतेगी जिसके साथ जाके आप खड़े हो जाते हैं। यानी कि दोनों की पावर सेम है, लेकिन जिसका साथ आप देंगे, जो आपकी फीलिंग है, मान लीजिए नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है और आप नेगेटिविटी के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, आप उसी काम को करने लग जाते हैं, तो 100% निश्चित रूप में नेगेटिविटी की जीत होने वाली है। तो फॉर्मूला क्या है? अगर आप पॉजिटिविटी के साथ खड़े होते हैं तो पॉजिटिविटी जीत होगी। लेकिन अब समस्या ये है कि कौन इंसान पॉजिटिव नहीं रहना चाहता लाइफ के अंदर? हर इंसान लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहना चाहता है। तो ऐसा क्या काम हम करें, ऐसी क्या टिप्स हैं जिसकी वजह से आप ये महसूस कर पाएं या ये जज कर पाएं या वो पॉजिटिविटी की तरह अपने आप को लेके जा पाएं? तो उसका बेस्ट तरीका है, जब भी नेगेटिविटी आए, जो मैंने अपने लाइफ में महसूस किया है, मैं भी लाइफ में कई पड़ाव पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ, और जब हम नेगेटिव होते हैं तो एक चीज़ हमारे साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। सबसे पहले उस व्यक्ति के संपर्क में चले जाएं या किसी ना किसी तरीके से वो व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए जो उस वक्त पॉजिटिविटी का भंडार है। वो आपका अपलाइन हो सकता है, वो आपका कोई जानकार हो सकता है। जैसे मैं नेगेटिव हूँ और कई बार नेगेटिविटी में हमारा मन करता है, डिसीजन करता है कि सब कुछ छोड़ दें और वापस उसी लाइफ के अंदर चले जाएं, तो ऐसे में एक ही व्यक्ति आपको पॉजिटिविटी दे सकता है या एक ही व्यक्ति आपको मोटिवेट कर सकता है या आपको चार्ज कर सकता है, वो इंसान है जो ऑलरेडी पॉजिटिव हो। तो आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसे इस तरीके के निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है। तो एक ही मंत्र है कि उस वक्त तुरंत ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आप चले जाइए जो बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। जब उस व्यक्ति के साथ आप बैठेंगे, जब उस व्यक्ति से आप बात करेंगे, तो आपको वो फीलिंग आएगी और आप देखेंगे कुछ ही समय के अंदर जो बहुत बड़ी नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही थी, वो नेगेटिविटी जो है आपके अंदर से निकल के वो गायब हो गई है। और ये मैंने पर्सनली महसूस किया है। मैं भी लाइफ में 3 से 4 बार बहुत नेगेटिव जोन में चला गया था। ये इंडस्ट्री छोड़ने का मन किया, सोचा कि इस इंडस्ट्री को छोड़ दें, और ये सबके साथ होता है। लेकिन कुछ ऊपर वाले की कृपा रही कि कुछ ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए और उनके संपर्क में मेरे को जाने का मौका मिल गया तुरंत वो डिसीजन लेने से पहले, और हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाए। यानी कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो मेरा या मेरी टीम का किसी वक्त में हो सकता था, वो सब कुछ हम लोग बचा पाए। तो सबसे पहली चीज़ कि पॉजिटिव इंसान के संपर्क में रहें, और दूसरा पॉजिटिव बुक्स पढ़ें। बहुत सारे लोग पॉजिटिव बुक्स नहीं पढ़ते हैं। और नेगेटिविटी की पहचान क्या होती है? आप नेगेटिव इंसान हैं या पॉजिटिव इंसान है, इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहली चीज नेगेटिविटी की पहचान है, नेगेटिव इंसान ना अपने काम से काम नहीं रखता है। नेगेटिव इंसान की सबसे बड़ी पहचान है वो दूसरे के काम में जो है वो टांग अड़ाने की कोशिश करेगा। उसका फोकस अपने काम पे नहीं होगा, उसका फोकस दूसरे के काम पे होगा कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। तो अपने आप को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है,
कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे के काम में ज्यादा है, दूसरे की बातों में ज्यादा है, दूसरा क्या कर रहा है उसमें ज्यादा है, दूसरा किस तरीके से अपने जीवन को जुड़ा उसमें इंटरेस्ट अगर आपका ज्यादा है, तो आप एक नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, नेगेटिविटी की सबसे बड़ी निशानी है कि नेगेटिव इंसान कामयाब इंसान से जलता है। किसी की भी कामयाबी अगर आप देखेंगे तो उसको जेलस फील होगी अंदर से। तो अगर ऐसा आपके अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके अंदर भी है। कोई बहुत कामयाब इंसान को देख के अगर आपकी फीलिंग ये आती है कि इतना कामयाब कैसे हो गया, जबकि फीलिंग आनी क्या चाहिए, ये इंसान इतना कामयाब कैसे हुआ, इससे मैं सीखूं, फीलिंग ये आनी चाहिए। लेकिन फीलिंग क्या आती है, ये इंसान इतना कामयाब क्यों हो गया। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जैसे मैंने कल भी बोला था अपने शेयर के अंदर, किसी को जानते भी नहीं है लेकिन वहां जाके कमेंट करना, किसी भी तरीके का कमेंट करना, मेरी लाइफ का एक उसूल रहा है। आप शुरू से लेकर आज तक मेरा फेसबुक लाइव आप उठा के देख लेना या फेसबुक मेरी पोस्ट देख लेना, मैंने कभी भी किसी की भी पोस्ट पे जाके कोई भी नेगेटिव कमेंट आज तक नहीं किया है। वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी उसने किया है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, जिसने मुझसे जवाब मांगा है तो जवाब तो मैंने दिया है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि जिसको मैं जानता नहीं हूँ उसने कुछ बना दिया किसी के लिए भी और हम उसके घर में घुस के हम उसकी फेसबुक वॉल पर जाके कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी ऊर्जा जो है वो नष्ट होती है। उस ऊर्जा को आप सही दिशा में सही जगह में लगाएंगे तो हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएं। और एक सही इंसान वही होता है जो अच्छी चीज़ों से सीखे, बुरी चीज़ों से सीखे और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों के अंदर लगाए। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लग रही है या फिर व्यर्थ के कामों में लग रही है, यानी कि आप ऐसी कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ों को के बारे में ज़्यादा आपका दिमाग रहता है जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि लाइफ तो चेंज तभी होगी जब अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को आप सही दिशा के अंदर लगाएंगे। तो पॉजिटिव बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, पॉजिटिव वीडियोस अगर आप देखेंगे तो नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। ये एक सिंपल सा मैसेज मैं आज आपको अपने माध्यम से देना चाहता था। तो जब भी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी आए तो देखें कि कौन सा ऐसा इंसान है जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, जिसको आप जानते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, जब उसके संपर्क में आप जाएंगे कुछ ही समय में आपकी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी। चाहे कितना भी माने, कितना भी ये माने कि मैं तो नेगेटिव ही रहूंगा, लेकिन किसी पॉजिटिव इंसान के संपर्क में आप जाते हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो वो ऊर्जा ट्रांसफर होती है आपके अंदर। ये हमने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत नजदीक से देखा है और समझा है। तो आशा करता हूं कि आप भी जब भी नेगेटिविटी में आए तो सबसे पहले उस व्यक्ति की तलाश करें जो आपका शुभचिंतक है, आपके बारे में अच्छा सोचता है और जो खुद पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव इंसान ही किसी को पॉजिटिव कर सकता है। एक नेगेटिव इंसान कभी किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकता। तो अपने आसपास अपने दोस्तों को देखिए, अपने पड़ोसियों को देखिए, किस टाइप के वो लोग हैं। अगर वो लोगों की टांग खिंचाई में बिलीव करते हैं तो वो कभी भी आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं। उनका संगत जो है कभी भी आपको लाइफ में सफल नहीं बना सकता है। तो अगर लाइफ में आपको सफल बनना है तो ऐसे लोगों की संगत में आपको रहना पड़ेगा जो ऑलरेडी सफल हैं और सकारात्मक हैं। सफलता भी दो तरीके की होती है, कई बार गलत कामों को करके भी इंसान सफल होता है। तो ये आपको चेक करना है, फॉलो किसको करना चाहते हैं, सही इंसान को फॉलो करना चाहते हैं या एक गलत इंसान को फॉलो करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ ये सुबह सुबह का एक पॉजिटिव नोट आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बदलाव लाएगा।